नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं उसको हम पहले ही क्लियर कर दें कि इस खबर की सच या झूठ की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो न्यूज़ दी गई है ये खुद उस लड़की के द्वारा दी गई है जिसने अरमान मलिक के ऊपर ये क्लेम लगाया है कि अरमान मलिक ने उनके साथ में बदतमीज़ी की है और वो लड़की और कोई नहीं उनकी भतीजी थी। आइए विस्तार से बताती हूँ कि क्या बात है। दरअसल एक रिएक्शन चैनल है जो कि अरमान मलिक के लिए काफ़ी टाइम से वीडियोस डाल रहे हैं। वो डेली लाइव करती है जिसमें काफ़ी औरतें और जो पुरुष हैं वो आकर अरमान मलिक के बारे में पोल खोलते हैं या ये कहें कि उन्होंने एक मिशन चलाया हुआ है एक तरीके का, कि जिसमें ये कहा है कि भाई अरमान मलिक ने जो किया है उसके पापों की हम सजा देंगे, इस तरीके के वो क्लेम करते हैं। तो अरमान मलिक के ऊपर वहाँ पर एक लड़की हर आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई आके अरमान मलिक के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अब वहाँ पर एक लड़की आई है जिसे आपने लगभग 2 साल पहले या कुछ टाइम पहले अरमान मलिक के ब्लॉग्स में भी देखा होगा, जो कि अरमान मलिक जिसको अपनी भतीजी बताते थे। दरअसल वो अरमान मलिक के दोस्त की बेटी थी जिसको अपने घर में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आकर रहना पड़ा। चीकू के साथ में उसके अक्सर व्लॉग्स वीडियोस आती थी। तो अब वो लड़की उस लाइव पर आई और उसने कुछ अरमान मलिक के ऊपर एलिगेशंस लगाए। उसका कहना यह है कि अरमान मलिक हर एक लड़की के साथ बदतमीजी करता है और ये हर एक लड़की को गंदी नज़र से देखता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अरमान मलिक ने अभी कुछ दिनों पहले लक्ष्य के ऊपर भी हाथ उठाया था, जिसके बाद में लक्ष्य को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, इसी वजह से वो 10 दिन तक वीडियो से गायब थी। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अरमान मलिक के यहाँ पर रहती थी तो उस वक्त में अरमान मलिक ने उनके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो अरमान मलिक का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उन्होंने अपने पापा को सारी बातें बताई थी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो भी वो करते हैं और उसमें पायल कृतिका सबको सब चीज़ें पता होती है और उनका पूरा स्टाफ ऐसा है जिसको पता है अच्छी तरीके से कि अरमान किस तरीके का इंसान है। अरमान मलिक का स्टाफ ही एक ऐसा स्टाफ है जो कि लोगों को उनकी बातें पहुंचाता है, यानी कि उनकी बातें लीक करता है। इसी वजह से अरमान मलिक का बार बार स्टाफ टूटता जा रहा है, बार बार उनकी टीम टूटती जा रही है। साथ में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि पायल उनकी असली वाइफ नहीं है, कृतिका उनकी असली वाइफ है, पायल तो सिर्फ उनके साथ लिविंग में रहती है। बाकी भी बहुत सारे एलिगेशन उन्होंने अरमान मलिक की फैमिली के ऊपर लगाए हैं। हालांकि हम इस चीज़ की सत्यता की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जो लोग आते हैं वो इन्हीं चैनल्स पे आते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता, वो आते हैं बोलते हैं और चले जाते हैं। इसके खिलाफ कुछ भी क्यों नहीं किया जाता और ये सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो खुद क्यों नहीं आते।